जीआईपी पब्लिक स्कूल में यूनिट 2 परीक्षाफल का हुआ वितरण। अभिभावक शिक्षक बैठक में बच्चों के बेहतर भविष्य पर हुई चर्चा। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। पकरी ब्रावा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित जीआईपी पब्लिक स्कूल परिसर में रविवार को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान यूनिट 2 का परीक्षा फल भी अभिभावकों को सौंपा गया। संगोष्ठी में बच्चों में प्रतिभा विकास को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं की गई। वहीं विद्यालय प्राचार्य दीप राय ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों में प्रतिभा विकास को लेकर कई सारे कदम उठा रही है। साथ ही विद्यालय द्वारा एक्टिविटी के जरिए विद्यार्थियों में सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। इस दौरान कई अभिभावकों ने भी बच्चों से संबंधित कई प्रकार की शिकायतों को शिक्षकों के समक्ष रखा, जिसका यथासंभव निदान का भी आश्वासन दिया गया। अभिभावकों ने बच्चों के रीडिंग, राइटिंग एवं लर्निंग सहित कई मुद्दों पर चर्चाएं की। विद्यालय निदेशक रंजीत रंजन ने अभिभावकों से बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करने की बात दोहराई। उन्होंने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की सलाह दी। वहीं उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यालय पूरी तरह कटिबद्ध है। विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करा दिया गया है। इसके लिए विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षकों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों की गतिविधियों की जानकारी आप विद्यालय के ऑफिस नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर भी दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों की उपस्थिति पर भी अभिभावकों को ध्यान देने का आग्रह किया। अंत में विद्यालय निदेशक द्वारा अभिभावकों को धन्यवाद दिया गया तथा अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में ससमय अभिभावकों का पहुंचाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। मौके पर विद्यालय प्राचार्य दीप राय, बिल्टू चटर्जी, प्रदीप कुमार खान, बबलू कुमार यादव, सौरभ कुमार, राजेश कुमार, दीप प्रकाश, इरशाद जावेद, अमन खुजू, सोनी मिस, सपना मिस, सोनाली मिस, सना मिस सहित कई उपस्थित थे। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।